ये प्रयागराज है, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ प्रार्थनाओं के लिए आते हैं। हम लाखों के सामने बोल सकते हैं, कोई साथ नहीं देता। ईश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आज ही बेटी बिना वस्त्र के पूरे घर में टहलती थी। क्या करके? बिना वस्त्र के पूरे घर में टहलती थी। अच्छा, ये बताइए, दो बच्चे हमारे अपने हत्या से मरे। कैसे हत्या से? हाँ, अपने से पता नहीं कौन ऊपरी चक्कर से मरे। आदमी भी जल के मर गए। माँ बेटी लगाए जाते हैं। जिसको फाउंडर थे सैम ड्रिंकिंग वाटर, वो मोहनदास करमचंद गांधी के कृषि सलाहकार हुआ करते थे। उस समय वो बकायदे लेटर दे के किसी की संस्था से सलाह लिया करते थे एग्रीकल्चर संबंधित। आज लेटर भी रखे हुए हैं। आज उस संस्था भी इस तरह आरोप लगाया जा रहा है और बहुत ही दुखद घटना। रस्सी से बांध की सब मशीन हमको हमको जिंदगी दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं यीशु दरबार सेवकाई में, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मौजूद है। हमारी यहाँ आने की वजह सेवकाई और इससे जुड़ी यूनिवर्सिटी के ऊपर लगे धर्मांतरण के गंभीर आरोप, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले विश्वासी बेहद मायूस और निराश थे और वो निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। विश्वासी निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि जो संकट इस सेवकाई के ऊपर और इस यूनिवर्सिटी के ऊपर आया है वो जल्द से जल्द टले। और जल्द से जल्द एक बार फिर बिशप आरबी लाल दोबारा से सेवकाई में कलीसिया में आए और एक बार फिर वचन की सेवकाई दें। असल में उन पे और उनके सहकर्मियों पर एक के बाद एक 5 से 6 FIR कर दी गई हैं और झूठे धर्मांतरण के आरोप लगा दिए गए हैं। और ये प्रार्थना निरंतर लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके सहकर्मी जेल से रिहा हो, क्योंकि उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। सब चलेंगे छोड़ा देंगे ये बाबा कुछ। जी जी जी, सब चलेंगे बाबा जी के लिए। यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ किसी तरीके का आपको लालच या प्रलोभन दिया गया है कि आप अगर यहाँ आएंगे तो आपके बच्चे का हम एडमिशन करवा देंगे, या आपको नौकरी मिल जाएगी, या फिर कोई धनराशि मिल जाएगी आपको? ऐसा कुछ नहीं। खाली अपने भला के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, करता हूँ और लोगों से बात करते हैं हम लोग। बहुत आशीष दी है प्रभु। मरे मरे अटके तो भैया मेरे परिवार वाले छोड़ दिए थे, लेकिन प्रभु में आए हम चंगे हो गए, अच्छे हो गए। क्या दिक्कत हो गई थी आपके साथ? हमारे दुष्ट आत्मा में हमारे दो दो जवान बच्चे खत्म हो गए, मेरे हस्बैंड आग ही लगा के जल गए। हमारे पास कोई तत् नहीं था कि लड़की का शादी करे। लड़की का शादी करने के लिए भी मेरे पास नहीं, प्रभु ने हमको यहाँ पे आया, अपने आप लड़का मिला, बेफ्री में शादी करे। अच्छा, नहीं तो क्या कहते हैं, इन लोगों ने कोई पैसे वैसे का लालच दिया था? नहीं। तो या फिर कैसे, मतलब प्रभु ने क्या करा, फिर कुछ चमत्कार हुआ क्या? चमत्कार हुआ, हम प्रभु में, हमसे एक लोग कहे प्रभु में आओ तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। हम आने लगे, हमारा सब दुख परेशानी दूर है। अच्छा, अच्छे तो यानी आपने बड़े कष्ट देखे, बहुत हस्बैंड की भी। भैया ये बताइए, दो बच्चे हमारे अपने हत्या से मरे। ठीक, हत्या से? हाँ, अपने से पता नहीं कौन ऊपरी चक्कर से मरे। आदमी भी जल के मर गए। माँ बेटी हम बची। अच्छा अच्छा, ये बेटी है आपकी? हमारा भी हालत खराब हो गई, बेटी कमा के खिलाती थी। 25 साल मैंने जन्म लिया, जो हम मायके आए तब से मैं अपने तन पे कपड़े नहीं ढका था। ओहो, कैसे मेरा, क्यों नहीं ढका था सर, क्यों नहीं? दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर। आप देखिए, ये आपके सामने लोग हैं, ये जीवित गवाही है। ऐसी बदरू दुष्ट आत्मा काम था ऐसी के ये तन पे, ये एक स्त्री है, ये कपड़े तक नहीं पहनती थी। आप समझ रहे, अलिफ नंगी रहती थी। लेकिन उसके बाद क्या, मेरे प्रभु जो मैं आए 5 संडे मैं बहुत परेशान थे, ओकरे बाद जो मैं 7वां संडे आए थे मैं आपके, आप ठीक हो गए, अपने बाल बच्चे देखने लगे। कितना वक्त हो गया इस परिवर्तन को हुए? हमको 2 साल हुआ। देखिए, 2 साल से ये चंगी है, अपनी गवाही दे रही हैं। इससे पहले 25 साल की उम्र तक शरीर पे कपड़ा भी नहीं पहनते थे। ये फायदा हुआ, कोई चढ़ावा बड़ावा चढ़ाया? अच्छा अच्छा, चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो सुन तो लो, कोई लालच दिया भाई तुम्हें? कोई कुछ भी नहीं दिया ना, कोई। अब तो आपने क्या देखा, जो घर में शांति नहीं थी या कुछ? शांति आ गई। हाँ, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कहीं, हर चीज अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। मेरे आर्थिक स्थिति ठीक कर, बहुत अच्छी करी, पहले नहीं थी, पहले कुछ भी नहीं अच्छी, शरीर से भी अच्छा, सही है सब कुछ है भैया। तो पहले तो दुख के मारे बहुत ज्यादा तनाव में रहते होंगे जब घर में इतना कुछ हो गया। हाँ, बताइए जिसके ऊपर इतना तनाव पड़ेगा उसका क्या हाल होगा? हमारी जिंदगी है कि हम झेल रहे हैं।
लेकिन जब से परमेश्वर में आए हमें कोई थी दिक्कत का धन्यवाद। तो ये आपके सामने है ठीक हो गए तो क्या था आपके छाला हुआ था बहुत ज्यादा पूरा शरीर में था मगर यीशु मसीह हाँ मेरा ठीक कर दे सब प्रभु यीशु ने ठीक किया। भाई देखिए ये सब आपके सामने बोल रहे हैं ये सब हिंदू परिवार से हैं अलग अलग जातियों बिरादरियों से हैं ये कोई दबाव नहीं है ना कोनो लालच भी कुछ नहीं है कोई दबाव नहीं है ये लोग कहते हैं कि भाई ईसाई लोग दबाव करके डरा कर कन्वर्ट करते हैं ना कोई पैसा देता है ना जबरदस्ती करता है अपने से लोग आते हैं ये बेटी इस तरह है 5 साल से भैया बंद कोठरी में थी हम लाखों के सामने बोल सकते हैं कोई साथ नहीं देता ईश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है आज ये बेटी बिना वस्त्र के पूरे घर में टहलती थी देख लीजिए ये क्या नाम है सुप्रिया नाम प्रिया अब तो बोलती है भैया नहीं 15 दिन खाना नहीं खाई कोठरी में बंद लेकिन यीशु मसीह ने हम सबको जीवन दिया तो आपकी लड़की कपड़े निर्वस्त रहती थी हाँ भैया हाँ दिमाग में नहीं दिमाग काम नहीं करता था उसका अरे अरे आज कितने वक्त तक ये दिक्कत रही 5 साल भैया इस बेटी को प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से संभाला वो ऐसे रही है हाँ यीशु मसीह ने इसको संभाला अभी क्या महसूस हो रहा है क्या नाम है तुम्हारा अच्छी हो गई प्रिया 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 नाम अभी क्या महसूस होता है प्रभु ने क्या अनुग्रह किया पहले से काफी ठीक है कैफे ठीक है मेरी रानी बहुत अच्छी हो गई यीशु मसीह की गवाही में 1,00,000 के सामने कह सकते हैं भैया प्रभु जिंदा खुदा है हालेलुया 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 तो आप देख सकते हैं तो अभी एक बार बताइए जो बाबा जी हैं बिशप आरबी लाल उनके ऊपर अभी कुछ पुलिस कंप्लेन वगैरह भी हुई हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनके ऊपर आरोप हैं जैसे ये परिवर्तन का एक मिनट वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं या प्रलोभन से जैसे वो तो हाँ जीवन परिवर्तन करते हैं तो आप सबके साथ कुछ ना कुछ प्रभु ने यहाँ पर काम किया है गहन रखी थी हमको पेड़ में बांध कर रखी थी पेड़ में बांध के सकर से बांध के डोरा रस्सी से बांध की सब मसीह ने हमको यहाँ हमको जिंदगी दिया है मेरा 5 बच्चा को हमारे 1 लड़की को दुश्मन ने खा लिया अच्छा गर्भवती थी उसको बच्चा हुई थी उस मार के खा लिया फिर भी हमको खा लिया थी बोला प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया हमारे आदमी को हमारे 4 बच्चों को जैसे 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 दूसरी जगह देखते हैं बाबा वगैरह जो क्या करते हैं कि भाई एक मिनट सुनिए बाबा वगैरह क्या करते हैं कि आपको इतना काम हो जाएगा आपका उपाय कर देंगे एक मिनट आपको पर ये चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा ऐसा यहाँ 1 रुपए का चढ़ावा नहीं है कि कुछ मत लेके आओ बस खाली तुम आओ बाबा जी कुछ नहीं करते धर्म परिवर्तन के विषय में तो जो बोला गया है ये बिल्कुल टोटल झूठा है क्योंकि हमें यहाँ 20 साल हो गया प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए जी जी यीशु मसीह पे विश्वास करके क्या फायदा मिला मतलब क्यों करते हो आप हम इसलिए विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में आने का जो मेन मतलब था पहले तो हमें मिर्गी आ रही थी आपको आती थी मिर्गी आती थी कितने टाइम से करीब न कुछ तो काफी छोटे से तभी से अच्छा हाँ तो उसके बाद में ये बड़ा दवा वा कराए सारा सीटी स्कैन जो भी मेडिकल वो था वो सब कुछ करवाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा कई बार कोर्स हुआ 2-2 साल 3-3 साल का अच्छा। कोई बदलाव नहीं आया तो फिर बाद में मन में ठान लिया कि बहुत सारे लोगों के घर में हम देखते हैं बीमारी रहती है तो मरते हैं तभी ख़त्म होती है तो समझौता कर लिए थे कि ये नहीं जाएगी पर किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जी बताया जी जी वो कहीं प्रार्थना में जाते थे तो हमको यीशु मसीह के बारे में बताएं अब बताएं जब हम आने लगे यहाँ तो वो बीमारी हमें अचानक हमारे जीवन से वो गायब हो गई क्या बात है और आज 20 साल का दिन हो गया मेरी बीमारी मुझसे कहाँ गई ये मुझे पता नहीं 20 साल से मिर्गी नहीं आई है इन्हें जबकि आपके आप देख सकते हैं कि जीवित गवाही आपके सामने दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ आप देख सकते हैं तो ऐसे में इंसान क्यों प्रभु यीशु को नहीं मानता ये एक अडल्ट हैं ये एक वयस्क हैं इनके पास पूरी एक आज़ादी है कि ये जिस चीज़ को चाहें जिस धर्म को चाहें जिस आस्था में चाहें उसको ये चुन सकते हैं अगर ये चुनाव करने का आपके और मेरे पास अधिकार नहीं है तो फिर हम तो नॉर्थ कोरिया बन गए
फिर तो हम, मैं समझता हूँ हम लोग किसी कट्टर इस्लामिक कंट्री बन गए, फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा, जब इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोली जाती है वहाँ पर ये जब लोगों को आज़ादी दी जाती है तो यहाँ पर जब चुनने की आज़ादी है, और यहाँ पर देखिए सब अपनी कैसे सच्ची और ज़िंदा गवाही दे रहे हैं कि कैसे प्रभु ने आपकी इनकी ज़िंदगी में काम किया है और यीशु मसीह को मान रहे हैं, उन्हें कितनी बड़ी लाइलाज बीमारी से चंगाई मिली, छुटकारा मिला। ये यीशु मसीह की सामर्थ्य, ये विश्वास की बात है। कुछ चीज़ें आप, सच बता रहा हूँ, आप लॉजिक से और रैशनल होकर नहीं समझ सकते। सुपर नेचुरल एक अलग चीज़ होती है, एक अलग अनुभव होता है। ये यीशु मसीह तब भी करते थे और आज भी करते थे। तो ये बाबा जी पे क्या आरोप लगाए गए हैं इस वक्त, और क्या कुछ FIR वगैरह के बारे में बताएंगे आप? FIR धर्मांतरण का विषय में जो हुआ है पेपर में, सब मीडिया में सब कुछ, ये सब कुछ चल रहा है, ये पूरा गलत है। अच्छा, ये गलत इसलिए गलत है कि मैं यहाँ 20 साल से आ रहा हूँ, समझ रहे ना जी। अगर धर्मांतरण अगर होता तो मेरा धर्म बदल गया होता जी। मेरा नाम आज भी वही है, मेरा काम, मेरा परिवार सब आज भी वही से चल रहा है, शादी ब्याह खान पीन हमारा सब वही चल रहा है जो पुराना समय से चल रहा था। अगर इतना, क्योंकि मैं इतना पुराना हूँ, शायद हमारे भाई बहन लोग थोड़ा कम पुराने होंगे, पर यह है कि धर्मांतरण का जो आरोप है बिल्कुल झूठा है। झूठा है, ठीक है। आ जाइए, एक मिनट आप आइए, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है। हाँ, मृत्युंजय नाम है आपका। हाँ हाँ, और मैं पिछले यीशु दरबार में कम से कम एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, बताएं अपना नाम, दोबारा बोलिएगा। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है और मैं यीशु दरबार में पिछले 16-17 साल से यहाँ हूँ, और मैं एक विश्वासी के रूप में यहाँ रहता हूँ। मैं यीशु मसीह के ऊपर पूरी श्रद्धा से विश्वास करता हूँ। और जहाँ तक ये सवाल है कि पेपर में जैसे मैंने पढ़ा, मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि बाबा जी के ऊपर धर्म परिवर्तन करा देते हैं, लोगों को लालच दे देते हैं, लोगों को नौकरी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठे आरोप हैं। और बाबा जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं और बड़े दयालु व्यक्ति हैं, और वो चाहते हैं लोगों के भला हो। तो यहाँ जो है, जो लोग भी आते हैं यहाँ पास, यीशु मसीह की संगति लगती है, लोग आते हैं यहाँ पास यीशु मसीह के वचनों को, जो परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, उसी वचन के आधार पे हमारे बाबा जी जो है हर रविवार को वो 10 बजे जो सभा यहाँ होती है उसको सुनाते हैं, लोग सुनते हैं, और उसके सुनने के द्वारा जो परमेश्वर का वचन है उसके सुनने के द्वारा लोगों के जीवन में चंगाइयां होती है, छुटकारा होता है, उनका जीवन बदल जाता है। लोग जो है कई प्रकार के कार्य करते हैं, अपने पत्नी को मारना पीटना, जब उनका जीवन उस वचन को सुनने के बाद बदल जाता है, वो अपने पत्नी से प्रेम करने लगते हैं, उनके घर में सुधार हो जाते हैं, किसी प्रकार की बीमारी है तो वो परमेश्वर का जो वचन है वो वचन उनको चंगा कर अभी देता है। आरोप क्या लगाए गए हैं उनके ऊपर? ये आरोप लगाया है कि जो लोग आते हैं, हिंदू धर्म के लोग जो यहाँ आते हैं उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूँ, मैं तो 16-17 साल से हूँ, मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि किसी का धर्म परिवर्तन हो गया है। भाई मीडिया वाले देखे होंगे तो प्रूव करें कि धर्म परिवर्तन हो गया, लेकिन हम विश्वासियों से बातचीत करने के बाद हमने खास बातचीत करी इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले स्टाफ से जो कि अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि बिशप आरबिलाल और उनके सहकर्मियों पे जो गंभीर आरोप लगाए गए वो यही लगाए गए कि वो इस यूनिवर्सिटी में उन्हीं लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो अपना धर्मांतरण करवा लेते हैं। इन आरोपों में कितनी सत्यता है इस बात को हम जानते हैं, लेकिन हम आपको पहले बता दें, इस यूनिवर्सिटी को अब श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस के नाम से जानी जाती थी। इसके जो के फाउंडर थे सैम हिगिनबॉटम थे, और आपको बता दें ये यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इस देश में एक बड़ी क्रांति लेके आई, क्योंकि आधुनिक बहुत सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, उपकरण वो इसी यूनिवर्सिटी के देने, जो कि किसानी और खेतीबाड़ी में दिए गए, और जिसके ज़रिए भारत की जो खेतीबाड़ी थी, एग्रीकल्चर था, उसमें एक बड़ी क्रांति आ पाई। तो अभी हम लोगों ने, जो लोग यहाँ पर आराधना के लिए, इबादत के लिए आते हैं यीशु दरबार में, विश्वासी, उन लोगों से बातचीत करी। अभी हमारे साथ हैं यूनिवर्सिटी के स्टाफ, ठीक है ना, क्योंकि मेन आरोप जो बाबा जी पे लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि जो यहाँ पर जॉब करते हैं लोग उनको
पहले अपना धर्मांतरण करना पड़ता है, अपना धर्म परिवर्तन करना होता है, उसके बाद उन्हें यहाँ जॉब मिलती है या जॉब को ऑफर करते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग सब यूनिवर्सिटी स्टाफ हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि गैर मसीह हैं, यानी कि नॉन क्रिश्चियन है, जो ईसाई नहीं है? कितने लोग? अच्छा आप सभी लोग, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या नाम है आप लोगों के बताएंगे बारी बारी। आपका नाम? आलोक चौहान जी। मनोज दीक्षित। आपका नाम? निर्मल कुमार शुक्ला। निर्मल कुमार शुक्ला। ब्रजेश कुमार यादव। ब्रजेश कुमार यादव। सुधेंदु उपाध्याय। सुधेंदु उपाध्याय। सत्यव्रत द्विवेदी। द्विवेदी जी हैं। और दीपक मालविया। दीपक मालविया जी। और मोहम्मद ताहिर खान। अच्छा ये खान है, वो चौहान है, और ये यहाँ पर हमारे उपाध्याय जी हैं, ये यहाँ पर हमारे जी दीक्षित जी हैं, और शुक्ला जी हैं, और कौन, यादव जी हैं, और द्विवेदी जी हैं, ये मालवीय हैं, और ये खान साहब हैं। तो ये सब अलग अलग जाति धर्म और बिरादरी के लोग हैं आपके सामने। आप लोग अभी भी अपने धर्म में ही हैं? आप लोग कितने कितने साल से यहाँ पर ये जॉब करते हैं ये इस इंस्टीट्यूट में? क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ये वैसे क्रिश्चियन एग्रीकल्चर के नाम से किसी वक्त जाना जाता था, अभी जो इसका नाम है वो श्वार्ट्स करके है, ठीक है ना? और आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, थोड़ी हिस्ट्री, कितने साल हो गए आपको यहाँ जॉब करते हुए? मुझे करीब 23 वर्ष हो गए हैं जी, जी, जी। और मैं माननीय कुलपति महोदय जी के कार्यालय में कार्यरत हूँ जी। और इन 23 वर्षों में कभी हमारे साथ ऐसी कोई सामने नहीं आई है चीज़ कि हमको जो है अपने धर्म के प्रति जो है जिस धर्म के हैं उसी धर्म पे, पंडित मैं पहले भी था, आज भी पंडित हूँ जी, 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 जी। और बाबा जी के साथ जो है इतने वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ, और कभी भी हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं पैदा हुई है जी, जी, जी। कि जिससे कि जो है हमें जो है अपने धर्म का संकट खड़ा हुआ हो। अच्छा, आप में से और कोई कुछ बताना चाहेगा? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? हमें 7 साल हो गया है, 7 साल। गेस्ट हाउस में सहायक अधीक्षक के पद पर नियुक्त हूँ, और अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमें धर्मांतरण करना पड़े कुछ। हाँ, ऐसा कुछ हमें कभी किसी प्रकार का फोर्स नहीं किया गया। हाँ, कुछ ऐसा नहीं किया गया। अच्छा, 7 साल से हो, चलो आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अपने सामने देखा हो किसी और को फोर्स किया जा रहा है, कोई हिंदू भाई है या कोई मुस्लिम भाई है उससे बोला जाता भाई तेरे को जॉब तब मिलेगी या जब है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप में से किसी का कोई तजुर्बा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं भैया, हम भी यहाँ 12 साल से नौकरी कर रहे हैं। नाम आपका? निर्मल कुमार शुक्ला। शुक्ला जी 12 साल से कर रहे हैं? 12 साल से कर रहे हैं। हमको तो ऐसा कभी नहीं दिखा कि यहाँ धर्मांतरण होता है। अच्छा ठीक है, आपने ऐसा अपने सामने भी नहीं देखा किसी ना को? हमको हम दरबार आते जाते भी रहते हैं जी, 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 ड्यूटी करते हैं तो उधर जाते हैं, ऐसा कभी हम नहीं देखे जी 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 जी, जी। मैं ब्रजेश कुमार यादव नाम है, 12 साल हो गया मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब के ऑफिस में रहता हूँ। कभी ऐसा हमको दबाव या किसी प्रकार का कोई बात नहीं आई कि हमको धर्म परिवर्तन करना पड़े, जो शुरू से थे आज भी वही हैं। अच्छा, न कभी किसी को देखा कि इस तरह से काम कराया जाए कि फिर नौकरी दी जाए, ये सब गलत अफवाहें हैं, ये सब कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं सत्य द्विवेदी हूँ, मैं यहाँ 14 साल से हूँ, प्रोविसी एडमिशन साल हूँ। हाँ, लेकिन ये सब फेक निराधार तथ्य लगाए जा रहे हैं, ये झूठी है पाए। मुझे भी कभी इस तरह की कभी कोई बाध्यता नहीं कि धर्म परिवर्तन हो, इस तरह की ये सब गलत बातें अफवाह है सर। करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, टीका भी लगा के आते हैं सर, कभी प्रपोज नहीं किए, कभी नहीं बोलते। तो फिर आपको क्या लगता है, जैसे इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं, एक्यूजेशन लगा रहे हैं, बाबा जी पे भी शायद 5 FIR जितनी मुझे सुनाई आया है की गई है, ठीक है ना, जो यहाँ के कुलपति भी वही है ना महोदय जी। हाँ, जी, 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 तो आपको क्या लगता है ये लोग जो कर रहे हैं, क्या इनकी कोई इसके पीछे कोई साजिश है या कोई इनको बेनिफिट यहाँ से वो चाहते थे गलत तरीके से उठाना और वो उन्हें नहीं मिला? लगाया है शुक्ला जी, वो हमारे फिल्म मास कमीशन उनके ऊपर खुद ही आरोप लगे, वो छेड़खानी के आरोप में यहाँ रिस्टिकेट किए गए 2 बार, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि जिस इंसान ने ये आरोप लगवाए हैं वो यहाँ पर छेड़खानी, किस काइंड ऑफ अ मोलेस्टेशन का आरोपी है, उसको यहाँ से निकाल दिया गया, तो अब वो लोग भड़ास के तौर पे इस तरीके से एक्यूजेशन कर रहे हैं। हमारे कुलपति महोदय के साथ उनका हरिशमेंट कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, उनका हरिशमेंट कर रहे हैं जी, जी, जी। क्योंकि उनको शायद विश्वविद्यालय की तरक्की, बच्चों का विकास, जो बच्चों को एजुकेशन मिल रहे हैं अच्छी, वो उन्हें शायद रास नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, इसीलिए हमारे विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या कहते हैं, कितने यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कोई बताएगा? यहाँ 12-13 हज़ार लड़के हैं यहाँ इस समय प्रेजेंट में, 11,500 स्टूडेंट है। 11,500 स्टूडेंट है? क्या हर जाति हर धर्म के या हर जाति ईसाई है? नहीं 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 नहीं, सारे अदर अदर कंट्रियों के हैं, और सारे रिलीजन्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन का बच्चा नहीं है।
और बाबा जी के समकक्ष जो भी बच्चा आया है स्कॉलरशिप से संबंधित या और भी एकेडमिक से संबंधित प्रॉब्लम लेकर के, बाबा जी ने उसको तुरंत निस्तारण किया है और उस बच्चे की मदद की है। अच्छा, मतलब यहाँ पूरी मदद भी दी जाती है और वो बता रहे हैं अलग स्टेट्स से ही नहीं, अलग अलग कंट्रीज के भी यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं। 11.5 कितना स्टाफ होगा यहाँ पर? यहाँ टोटल स्टाफ 1700 के करीब है। 1700 के। तो इस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी बने हुए कितना वक्त हो चुका है? यूनिवर्सिटी मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी की डीम्ड यूनिवर्सिटी, दोनों दोनों का बता दीजिए आप। देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी तो सन 2000 में बनी है, ठीक है, और स्टेट यूनिवर्सिटी 16 में बनी हुई है। 16 में बनी है जी। तो ये संस्था 121 साल पुराना है, 121 वर्ष पुराना है, ठीक है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ये, सबसे पुराना ये देश विदेश हर जगह से सबसे सभी जगह। तो इस तरीके के एक्यूजेशन लग रहे हैं और एक्यूजेशन के पीछे यही होता है कि कुछ लोग जो गलत भावना से आते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं या छेड़खानी के चक्कर में निकाल दिया गया, सब जगह ऐसा होता है, वही लोग ऐसी गलत बातों को गढ़ते हैं। धर्मांतरण एक ऐसा उन लोगों को कंबल मिला हुआ है जिसमें वो अपना नंगापन छुपाते हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को। कहीं ना कहीं उन्हें पता है क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, ऐसा है प्रचार भी होता है, तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण का ही उनको एक वो मिल पाता है कंधा जिसके ऊपर वो बंदूक रख के चलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहते हैं, कितने कॉलेजेस हैं आपके इधर? 72 और 121 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। देखिए बहुत आप समझ सकते हैं कि एक अपने आप में ये एक कितना पुराना है और कितने लोग यहाँ से पढ़ चुके होंगे, कितने लोग यहाँ से ब्लेस हो चुके होंगे, कितने लोगों ने जॉब पाई होगी। एक इस शहर के लिए नहीं, ये स्टेट्स के लिए, देश के लिए एक ब्लेसिंग बन रहा है। और वहाँ पर जब इस तरीके की घटनाएँ होती हैं और जब इस तरीके से झूठे धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं तो ये एक बड़ी आयरनी है, ये एक अपने आप में विडंबना की बात है। और आप देख सकते हैं जितना भी स्टाफ है सब के सभी ये मुस्लिम हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे तो 22 साल हो गए हमको, 22 साल आपको प्रोवीसी के साथ। अब मैं जब भी शुक्र के दिन जुमा होता है मैं ये सर खड़े हैं, मैं साहब के पास जाता हूँ, सर मुझे नमाज पढ़ने जाना है। हाँ कहते हैं कि आज तुम्हारा जुमा होगा चले जाओ। हाँ सर बोलते हैं सर, वो खुद छुट्टी दे देते हैं, खुद छुट्टी दे देते हैं। सर बोलता हूँ सर मैं नमाज पढ़ के आता हूँ आधे एक घंटे में। हाँ, ठीक है ठीक है जाओ। जैसे ये भूल भी गए ऐसे निकलना भी है तो हाँ, पढ़ लो। मैं कुछ देर पहले जिसके फाउंडर थे सैम भिंगरी वाटर, वो मोहनदास करमचंद गांधी के कृषि सलाहकार हुआ करते थे उस समय। वो बकायदे लेटर देके किसी की संस्था से सलाह लिया करते थे एग्रीकल्चर संबंधी। आज लेटर भी रखे हुए हैं। आज उस संस्था पे इस तरह आरोप लगाया जा रहा है और बहुत ही दुखद घटना है। और यहाँ के फाउंडर थे, मैं फाउंडर थे, वो महात्मा गांधी जी के कृषि सलाहकार हुआ करते थे। उनके वो महात्मा गांधी के सलाहकार थे, वो सलाहकार थे कृषि सलाहकार बॉटम। अच्छा डॉक्टर सैम हिंगन बॉटम। अच्छा वो जो है फाउंडर हैं, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट के और इस समय ये यूनिवर्सिटी है। और वो जो है डॉक्टर महात्मा गांधी से बहुत ही जो है नजदीकियाँ थी उनकी, और वो हमेशा जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जो है सलाह मशविरा लेते रहते थे। ये तो आप देख कृषि यंत्र जो यहाँ पुराने प्राय कल्टीवेटर हैरो है, सो यहीं का निर्माण, यहीं की दी हुई देन है, यहीं की उत्पत्ति है। एग्रीकल्चर संबंधित जितने भी आज आधुनिक उपकरण कर देख रहे हैं सब इसी संस्था की देन है। आप देख सकते हैं जयवेंद्र वर्तन साहब जब आए थे तब उन्होंने यहीं से फार्मर्स को ट्रेनिंग देना शुरू करी, खेती के नए नए तकनीकों के बारे में जानकारियां फार्मर्स को दी गई, उसके शायद नए उपकरण, नए सीड्स, नए बीज वगैरह जो भी उपलब्ध कराए गए यहीं से स्टार्ट हुए और वो सब यहीं से हुआ है। वरना पुराने तरीके से ही करते थे और लेटेस्ट कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी नहीं थे। आप समझ रहे हैं किस तरीके से एक बड़ी क्रांति आई यहाँ इस कॉलेज की वजह से, खेती बाड़ी में नए उपकरणों, नए तरीके और नए बीज, ये सब चीजों को यहाँ से प्रोवाइड किया गया। जो मिट्टी पलट हल जो बनाया गया जी वो हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया सबसे पहला। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भारत के कोने कोने तक पहुँचा है मिट्टी पलट हल। अच्छा अच्छा, इससे पहले हमारे यहाँ तो देसी हलुआ करते हल हुआ करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जो सीधा सीधा मिट्टी को और मिट्टी को चीते जितने उर्वरक शक्ति मिट्टी को खरपतवार वगैरह जो कम नष्ट हो पाते थे, पर इसके बाद से कृषि में क्रांति आई। वाओ जी, उस क्रांति से मिट्टी को पूरा पलट देते थे जिसमें कीटाणु और जो कीटाणु के अंडे खेती को जितने भी नुकसानदायक जो थे वो अंडे वंडे सब ऊपर आ जाते, खरपतवार की जड़ें ऊपर आ जाती थी, वो सूरज की गर्मी से जल के खत्म हो जाती थी। तो खरपतवार भी कम हुई और कीड़े मकोड़े भी कम हुए। तो बड़ी चीज है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर 1700 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर 1700 एम्प्लॉयज को हम नॉर्मली कैलकुलेट कर लें 5 से भी, तो करीब 8500 लोगों की पेट की
जो भूख होती, जो भूख है, जो पेट की आग है, वो बुझाते हैं बाबा जी। जी 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 जी। वो 8500 लोग सिर्फ क्रिश्चियन नहीं है, वो सभी समुदाय के हैं। SC भी हैं, ST भी हैं, OBC भी हैं, जनरल भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, सही तरह के लोग हैं। और अगर इस पार्ट को अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा भी दें तो इस विश्वविद्यालय के एक कोने से लेकर के और दूसरे कोने तक अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे कम से कम हज़ारों दुकानें हैं। जो फुटपाथ पे लोग दुकानें लगाते हैं वो अलग हैं जी। जिनके घरों की रोजी रोटी बाबा जी की वजह से चलती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे लोग कैंपस के अगल बगल लगवाने का, कराने का पैसे लेते हैं, लेकिन बाबा जी एक रुपये किसी से नहीं लेते। तो जी, उन जी। लाखों लोगों की दुआएं भी तो बाबा जी के साथ हैं। बिल्कुल। और वो सिर्फ क्रिश्चियन नहीं है, अलग अलग धर्म, वो क्रिश्चियन नहीं है। अगर आप बाहर से जाएंगे तो शायद आपको 1% क्रिश्चियन मिल जाए, बाकी सारे के सारे आपको अदर कास्ट के लोग मिलेंगे जो यहाँ दुकानें लगाते हैं, अपना पेट पालते हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। हजारों लोगों को रोजगार दिया है उन्होंने। जी, 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 जी। तो अगर ऐसा होता तो वो सिर्फ उनसे कहते ना कि मैं तुम्हें दुकान तभी लगवाने दूंगा जब तुम अपने धर्म का परिवर्तन करोगे। इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक सच पहुँचाने की कोशिश करी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये चीज़ें नहीं दिखाएगा। मेहरबानी से इन वीडियोस को इग्नोर ना करें, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे बांटिए और शेयर कीजिए, जिससे लोगों तक सच पहुंच सके और लोग जानें कि यीशु मसीह की सामर्थ कैसे काम कर रही है हर एक की ज़िंदगी में, और किसी को कोई लालच, प्रलोभन या ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है यीशु मसीह का अनुयायी बनने के लिए, पर यीशु मसीह की सामर्थ उनकी ज़िंदगी में काम करती है और वो यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। हमने कोशिश करी है आप तक इस बात को पहुँचाने के लिए। मेहरबानी से यीशु दरबार को, बिशप आरबीलाल को और उनके सहकर्मियों को प्रार्थनाओं में याद रखें और प्रार्थना करें कि वो इन तमाम चुनौतियों पे, परीक्षाओं पे जयवंत हों, एक बार फिर उनके जीवन से यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह का आगमन दुनिया में चंगाई करना नहीं है, किसी को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा करना नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। ये तो विश्वासियों के चिन्ह हैं जो ऑटोमेटिक होंगे यीशु मसीह के दरबार में। जो सबसे मुख्य उद्देश्य यीशु मसीह का है, पाप से छुटकारा, गुनाह की प्रवृत्ति से छुटकारा, हम गुनाह करने की आदत से छुटकारा पाले। और ये कैसे पाएंगे, क्योंकि गुनाह और पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन यीशु मसीह में मिल रहा है और मुफ्त में मिल रहा है। ये वरदान है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, ये कोई हमारी पैदा की हुई चीज नहीं है। हमने इसको कमाया नहीं है, उद्धार को हम उद्धार कमा नहीं सकते। बाइबल के अनुसार साफ लिखा हुआ है रोमियों के 6 अध्याय उसके 23 पद में कि पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन यीशु मसीह में है। यदि हम यीशु मसीह में हो जाएंगे और यीशु मसीह हम में हो जाएंगे तो अनंत जीवन भी हमारा हो जाएगा। हम अपने गुनाहों से माफी पा जाएंगे। गुनाह की माफी के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, बाइबल के अनुसार लिखा है यशाया 53:5 में, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हालेलुया। हमारे अपराधों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण क्रूस पर कुचला गया। इस क्रूस के ऊपर कुचला गया है, समझ रहे ना, इस क्रूस पर कुचला गया हमारे अधर्म के कारण। यीशु मसीह टांगा गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, पीठ पर कोड़े खाए, लहू लुहान शरीर कर दिया यीशु का। सर में कांटों का ताज था, सर पर से लहू बह रहा था, पीठ में लहू बह रहा है, हाथ पैरों में कीले ठुकी हुई हैं, चारों तरफ से खून ही खून बह रहा है यीशु के शरीर से। ये क्यों कुचल दिया गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। वो हमारे अपराधों को और पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं
और उसी के मार खाए जाने से हम चंगे हुए हैं। तो आप जान लीजिए कि आपकी चंगाई का बड़ा खामियाजा, बहुत बड़ा दंड, आपके पाप और गुनाहों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर उठाया है। और इसलिए यीशु मसीह पर जब हम विश्वास लाते हैं